नाजरीन आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज, मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। एमआरओ ऑफिस में काम करने का आ रही साहब, एमआरओ मैडम भी जाने से एक कंप्लेंट दिए थे। इसमें फेक डॉक्यूमेंट जो है, सर्टिफिकेट्स जो है फेक बना के बेच रहे बोल के उनको इतला मिला। ये आर आई साहब इंक्वायरी गए तो उसमें फेक है बोल के समझ में आया, तो उन्होंने कंप्लेंट दिए। तो कंप्लेंट पे हम लोग एसआई वेंकटेश इंक्वायरी करा तो मोहम्मद इलियास खालिद बिन जहीर बोल के जो शॉप मेंटेन करता फास्ट ट्रैक बोल के, इन्होंने जो स्कैनिंग करके ये डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स बना के इसको जो है 500 से 1500 पे ये बेच रहे। ये इन्फॉर्मेशन वो लोग दिए, उसके ऊपर हम लोग अरेस्ट करके आज उनको भी कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे। सर, कितने सर्टिफिकेट्स परचेस करे? दो ही अभी सर्टिफिकेट परचेस करे, लेकिन इसको यूज़ नहीं करे, तो इसलिए हम लोग 420, 468 सेक्शंस लगाए। सर, कब से कर रहा है ये पहली बार करा बोल के बोला था हम लोग इन्वेस्टिगेशन में। अब देखना है उसका सिस्टम वगैरह सीज करे तो बाद में इंट्रागेशन और इन्वेस्टिगेशन में उसको पुलिस कस्टडी लेने के बाद डिटेल मालूम हो जाता। थैंक यू। हमारे पास इस महीना 4 तारीख को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम में थोड़े डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज जो किए गए उसके ऊपर थोड़ा डाउट आया था मेरे को कि ये प्रीवियस जो तहसीलदार थे पूरे सर्टिफिकेट्स में उनका ही स्टैम्प और सिग्नेचर था, तो ये डूबियस सर्टिफिकेट है जान के मैं हमारे आरए को खुद जाके घर के पास इंक्वायरी करके रिपोर्ट लालो बोली थी, और उन्होंने मेरे को रिपोर्ट ये दिया कि उनके पास जो सर्टिफिकेट इंक्लोज करे थे उनके फैमिली मेम्बर के, वो लोगों के पास किसी के पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, और वो लोग जो ऑनलाइन सेंटर में एप्लीकेशन दिए थे उनके पास भी वो सर्टिफिकेट इंक्लोज नहीं करे। और एक ये मालूम पड़ा कि हम लोग सर्टिफिकेट यान से दिए बगैर ही उनके पास मेरे साइन का मेरे सिग्नेचर से सर्टिफिकेट ऑलरेडी इशू किया गया। तो हम लोग ऐसे सर्टिफिकेट्स ऑलमोस्ट 10 सर्टिफिकेट्स इंक्वायरी के लिए दिए थे, और ये पूरे सर्टिफिकेट्स एक ऑनलाइन सेंटर जो बल्लागुड़ा में है वहाँ से इशू किए गए, और इसमें अगर कोई मी सेवा सेंटर भी कोल्लूडेड है वो भी पुलिस के जांच में इंक्वायरी में मालूम पड़ेगी, और सबके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक किए गए। और मेरी ये गुजारिश है आवाम से कि आप लोग अगर एप्लीकेशन देना चाह रहे तो मी सेवा सेंटर में ही एप्लीकेशन दीजिए, और जो मैंडेटरी जो ज़रूरतमंद डॉक्यूमेंट्स है, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट ऑलरेडी डिस्प्ले किया गया है और रेट चार्ट भी डिस्प्ले किया गया है हर एक मी सेवा सेंटर में। अगर आपको इमरजेंसी सिचुएशन भी है जैसा कि स्टूडेंट काउंसलिंग, स्टूडेंट एडमिशन, वैसे केसेस में भी आप मेरे पास डायरेक्ट आ सकते, और हम लोग इतने स्टूडेंट्स को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नॉर्म हटाते हुए भी हम लोग उसी दिन बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हमारी ऑफिस से इशू कर दिए हैं। इसलिए आपसे फिर से मैं गुजारिश करती हूँ, आप ये शॉर्टकट्स मत ढूंढिए। अगर आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो आप मी सेवा में एप्लीकेशन देके हमारे पास, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो हमारे पास आके अगर आपका सिचुएशन बता दिए तो हम लोग इमीडिएटली कर देते, अदरवाइज वेल विद इन द टाइम हम लोग हर एक को सर्टिफिकेट जारी करें। थैंक यू।